कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हूँ मार्केट पे लोहे बाजार की जानकारी के साथ। लोहे बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही कास्ट आयरन के भाव, चार्सी सीआरसी क्वाइल के बाजार, रायपुर एक्टिव वायर, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, लोकल बाजारों में किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज हो रहा है, क्या सप्लाई डिमांड है, सारा कंसर्न आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट की अगर बात करी जाए तो 43,000 के पास से फिर बाजारों में एक बार बाइंग आती हुई दिखाई दी, 43,000 रुपए के नीचे बाजार। फिलहाल यह बाजार को देखते हुए समझ में आ रहा है कि 43,000 रुपए के नीचे बाजार नहीं सस्टेन कर रहा है, तो फिलहाल के लिए आप 43,000 का एक सपोर्ट मान लीजिए और ऊपर में आप एक 44,500 का रेजिस्टेंस एरिया। तो बाजार इसी तरीके से बाजार अगर नीचे आता है तो आप बाजारों में खरीदारी कर लीजिए, ऊपर आता है तो आप बाजारों में 44,000 की रेंज से 44,500 की रेंज में आप अपनी मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। कल भी अगर देखा जाए तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे पहले 43,000 से 43,300 हुआ, फिर 43,000 कल 600 से 700 रुपए हुआ, फिर भी बाजार 43,600 रुपए बाजार बंद होता हुआ नजर आया। एमएस स्क्रैप का बाजार भी इसी तरीके से, पुराने लोहे का बाजार भी 31,800 रुपए नीचे से बढ़ के 32,600 रुपए हो गया। तो बाजारों में एमएस स्क्रैप के बाजार में भी हल्की फुल्की मामूली बढ़त देखी गई। लगातार जो बारिश हो रही है और फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड कम होने के कारण, सरिया वगैरह की डिमांड कम होने के कारण आप देख रहे हैं बाजारों में तेजी नहीं बन पा रही है लगातार, और आप देख भी रहे हैं कि इलेक्शन के बाद से कंटिन्यू बाजारों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन एक बेस बनता हुआ फिलहाल के लिए 43,000 इंगट का इस समय दिखाई दे रहा है। अगर विदेशी बाजारों की बात करें तो विदेशी बाजार भी प्रॉपर रूप से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लगातार बाजारों में कभी एक दिन बाजारों में गिरावट, एक दिन बाजारों में हल्की सी बढ़त बाजारों में आयरन और रिवर के बाजारों में देखी जा रही है, तो उसका असर भी आपको घरेलू बाजारों में देखने के मिल रहा है। बिक्री का बिल्कुल सपोर्ट ना होने के कारण सेल बिल्कुल भी नहीं है, इसका मेजर रीजन जो है, इस वजह से बाजार में तेजी नहीं बन पा रही। जैसे ही आप देखते हैं बाजार में 43,000 के नीचे बाजार आता है, वहां से बाजारों में एक हल्का सा सपोर्ट का लेवल काम करता है और ऊपर में 43,700-800 आने के बाद बाजारों में वहां पर प्रेशर आ जाता है। तो बाजार फिलहाल रेंज बाउंड एक दायरे में ही रहने की संभावना है, बहुत बड़ी तेजी की संभावना अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रही है। और एमएस इंगट ओल्ड स्कैप के कन्वर्जन रेट की अगर बात करें तो 11,200 रुपए रहा। कहां पर आपको खरीदारी करनी है, कहां पर आपको बेचना है, आपको अगर जानकारी जाननी है तो आप मॉर्निंग का, आप हमारा 9:30 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए डिटेल लीजिए, स्कैन कोड भी आ रहा होगा डायरेक्ट, आप वहां से भी आप हमारे साथ जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और व्यू में आप समझ सकते हैं कि सोमवार से शुक्रवार रोजाना आप लोगों के साथ लाइव रहता हूं, लाइव जुड़ के आप हमारे साथ मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। और जो ये वीडियो पब्लिश कर रहे हैं, ये हफ्ते में 3 दिन हो गया है, तो इस तरीके से जो लोग यहाँ पर भी जुड़ते हैं तो हफ्ते में 3 दिन आप लोगों को रेगुलर बेस की जगह 3 दिन आप लोगों को वीडियो भी प्रॉपर मिलता रहेगा, पहले सोमवार के दिन, दोबारा बुधवार के दिन, फिर शनिवार के दिन आपको बाजारों में जानकारी मिलती रहती है। अब कास्ट आयरन की अगर बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ कास्ट आयरन में टोका का बाजार 37,300 रुपए, इम्पोर्टेड का बाजार 38,300 रुपए रहा। एचआरसी सीआरसी क्वाइल में लुधियाना एचआरसी क्वाइल, चाहे गाजियाबाद हो चाहे कोलकाता, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया। लुधियाना एचआरसी क्वाइल का बाजार 54,000 रुपए, सीआरसी क्वाइल का बाजार 61,300 रुपए, गाजियाबाद एचआरसी क्वाइल का बाजार 53,200 रुपए, सीआरसी क्वाइल का बाजार 59,000 रुपए, कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 51,700 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 57,500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि रायपुर एचबी वायर में आप देखेंगे बाजारों में कुछ मामूली बढ़त देखी गई, रायपुर एचबी वायर का बाजार 46,200 रुपए हो गया, जीआई वायर का बाजार 52,000 रुपए, एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 47,000 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 43,700 रुपए बोला गया। टीएमटी की अगर बात कर लेते हैं, टीएमटी में क्या स्थिति रही, तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का बाजार 48,300 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 42,000 रुपए, मामूली बढ़त देखी गई 500 रुपए पर टन की। आप देखेंगे सरिया में निचले स्तर से एक रिकवरी आई है, जो इंगट में बढ़त आई है वही रिफ्लेक्शन आपको बाजारों में देखने को मिल रहा है। जबकि इंदौर का बाजार 47,600 रुपए, रायपुर का बाजार 42,500 रुपए रहा, जयपुर का बाजार 45,300 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 45,500 रुपए, भावनगर का बाजार 46,900 रुपए, गाजियाबाद टीएमटी 47,800 रुपए, जलना का बाजार 46,200 रुपए, पटना का बाजार 44,000 रुपए।
तो सारे जो रेट हमने आपको बताए हैं बेसिक रेट है, इस पे 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस प्लस डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अगर आपको जैसे 12 mm आपको 300-400 के सरिया के बाजार में आपको माल मंगाना है तो आपको 2400-2500 रुपए आपको डिफरेंस इसका आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है। तो स्पॉन्ज आयरन में अगर बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ स्पॉन्ज आयरन का बाजार 30,200 रुपए रहा, दुर्गापुर का बाजार 27,400 रुपए, रायगढ़ का बाजार 26,850 रुपए, रायपुर का बाजार 29,900 रुपए, राउरकेला का बाजार 26,350 रुपए बाजारों में नजर आया। तो बाजार में आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में स्पॉन्ज आयरन में मामूली बढ़त आई है, उसका असर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। अब आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक सपोर्ट का लेवल 43,000 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल की अगर बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का लेवल जो ऊपर में दिखाई दे रहा है 44,000 का 44,000 का रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट का मतलब है सपोर्ट के आसपास खरीदारी, रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस के आसपास मुनाफा वसूली आप करके चल सकते हैं। अगर इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,800 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 32,800 रुपए मार्केट पे, ये पुराने लोहे का सपोर्ट है तो इसी रेंज के दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अगर खबर में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप YouTube पे देख रहे हो, Facebook पे देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मेटल बाजारों में स्थिति रही। तो मेटल बाजार की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर के बाजारों में कल एक बार फिर न्यूज मार्केट 24 की खबर पर मोहर लगी है। 850 रुपए से 51 रुपए के आसपास से कॉपर में बाइंग दिया और वहां से आपको बताया कि 870 रुपए का लेवल होगा, वो लेवल एक ही दिन में कंप्लीट होता हुआ नजर आया। 869 रुपए 50 पैसे कॉपर का बाजार हो गया। एल्युमिनियम का बाजार भी 229 रुपए 70 पैसे 27 रुपए 50 पैसे का लो लगा के, लेड का बाजार 90 रुपए 35 पैसे हाई पे बंद हुआ। जिंक का बाजार भी 273 रुपए 45 पैसे अपने बाजारों में तेजी के साथ ही बाजार बंद होता हुआ नजर आया। सोने चांदी की अगर बात करेंगे तो सोने चांदी में 73,285 रुपए सोने का भाव बाजार बंद हुआ। सिल्वर का बाजार 93,136 रुपए 94,000 से हल्की सी बाजारों में 1-1.5 हजार रुपए की बाजारों में चांदी में गिरावट देखी गई है। तो मार्केट पे ओवरऑल मेटल में भी अगर आउटलुक आप देख के चलेंगे तो मेटल बाजारों में आप देखेंगे तो मेटल बाजारों में जो ओवरऑल आउटलुक आपको बताया है, मेटल बाजारों में मार्केट पे एक रेंज बाउंड है, सही समय पर एंट्री करनी है, कहां पर आपको खरीदारी करनी है, कहां बिकवाली करनी है, किस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सारी जानकारी के लिए मॉर्निंग सेशन में आप हमारे साथ जुड़िए। स्क्रीन पर नंबर फेस हो रहा होगा, वहां पर जुड़ के मार्केट के ट्रेंड व्यू को आप समझ के चल सकते हैं। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करना ना भूलें। आप अगर लाइक ज्यादा से ज्यादा देंगे तो आप लोगों को इसी तरीके के रेगुलर वीडियो आप लोगों को प्रॉपर वे में आप लोगों को मिलते रहेंगे और आपको प्रॉपर मार्केट की जानकारी मिलती रहेगी। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज के दिन मेटल बाजार में। आज वीकेंड, हफ्ते का आखिरी दिन है, आज कैसा कारोबार एल्युमिनियम सेक्स में चल रहा है, दिल्ली मुंबई के स्पॉट मार्केट फिजिकल बाजारों में आज कैसे कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो मेटल के बाजार के बारे में बात करते हैं, जो बेस मेटल का मार्केट है, एल्युमिनियम सेक्स का मार्केट है, यहाँ पर आज सुधार दर्ज किया गया है। कॉपर के बाजार में 4 से लेकर 5 रुपए तक की बढ़त आई है, वहीं पीतल के मार्केट में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एल्युमिनियम सेक्स के रेट के बारे में। कॉपर में रेट 9,888 एलएमई में है, 869 रुपए 50 पैसे का रेट एमसेक्स में है। एल्युमिनियम के मार्केट में 2488 रुपए तक का रेट एलएमई में देखा जा रहा है, 229 रुपए 10 पैसे तक का रेट एमसेक्स में है। लेड के बाजार में 2216 रुपए तक का एलएमई में रेट है, 190 रुपए 25 पैसे की कीमतें आप एमसेक्स में देखकर चल सकते हैं। जिंक के मार्केट में 2952 रुपए तक का एलएमई के बाजार में रेट चल रहा है, 273 रुपए 45 पैसे का रेट एमसेक्स में है। सोने के मार्केट में 2422 रुपए 80 पैसे का रेट कॉमिक्स में चल रहा है, 73,285 रुपए तक का आप एमसेक्स के बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं सोने में। चांदी के मार्केट के बारे में अगर बात करी जाए, 31 रुपए 21 पैसे तक का कॉमिक्स के बाजार में रेट चल रहा है, 93,136 रुपए तक का आप एमसेक्स के मार्केट में रेट देखकर चल सकते हैं। क्रूड ऑयल के बाजार में 82 रुपए 50 पैसे का रेट कॉमिक्स में है, 6,898 रुपए का आप एमसेक्स के मार्केट में क्रूड ऑयल में रेट देखकर चल सकते हैं। दिल्ली के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके अलावा दिल्ली का जो फिजिकल मार्केट है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है यहाँ पर। कॉपर केबल स्क्रैप की कीमतें 850 है, कॉपर आर्मेचर का रेट 838 चल रहा है। एल्युमिनियम की कीमतें, एल्युमिनियम पुर्जे में 182 है, एल्युमिनियम बर्तन का रेट 185 है। जिंक के बाजार में
82 रुपए का एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिल सकता है। नेट के बाजार में 190 रुपए का एक अच्छा लेवल देखा जा रहा है। एलआईबीटी में कीमतें 210 है, बैटरी स्प्रे पर रेट 103/123 चल रहा है। निकल में आज कीमतें 1435 रुपए चल रही है। टिन का रेट 3025 है। पीतल में कीमतें 530 है। एसएस बर्तन स्क्रेप में आप 64 रुपए तक का दिल्ली के बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करी जाए अगर मुंबई के मार्केट के बारे में, मुंबई के बाजार में जो फिजिकल बाजार देखा जा रहा है, कॉपर केबल स्क्रेप में कीमतें 834 है। कॉपर आर्मेचर का रेट 807 है। ब्रास स्क्रेप में कीमतें आज की 520 चल रही है। एल्यूमिनियम स्क्रेप का रेट 187 है। जिंक के बाजार में जिंक इंगट में कीमतें 279 चल रही है। लेड इंगट का रेट 197 है। टिन इंगट में कीमतें 2973 रुपए चल रही हैं। निकिल का रेट आप 1437 रुपए देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का ट्रेंड पॉजिटिव ही है। बहुत ज़्यादा बाजारों में गिरावट दर्ज नहीं करी गई है, अच्छा खासा सुधार देखा जा रहा है। अब बात करते हैं अगर ट्रेडिंग रेट के बारे में, तो कॉपर के रेट को देखते हुए एक अच्छा सपोर्ट का लेवल कॉपर के बाजार में 832 चल रहा है। रेजिस्टेंस लेवल 842 है। रेट के बाजार में 189 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल 191 चल रहा है। जिंक के मार्केट में 280 रुपए का सपोर्ट का लेवल काफ़ी अच्छा है। रेजिस्टेंस लेवल 286 रुपए देखा जा रहा है। निकल के बाजार में 1415 रुपए का आप एक अच्छा सपोर्ट का लेवल देखकर चल सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल 1455 है। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो एक अच्छे सपोर्ट के लेवल को देखते हुए अगर आपको कहीं गिरावट मिलती है तो ज़रूरत के हिसाब से गिरावट पर मेटल के मार्केट में खरीदारी जरूर कर सकते हैं। मेटल बाजार में अगर आपको इसके अलावा मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, मार्केट में अगर आप तेजी मंदी की जानकारी जानना चाहते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोहे के मार्केट में। आज बाजारों में स्थिरता के साथ आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। बाजार फ्लैट नजर आ रहा है और खबरों के मुताबिक जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक किसी रेंज बाउंड दायरे पे आपको कारोबार देखने को मिलेगा। 100 से लेकर 200 रुपए तक की रिकवरी आएगी मार्केट में, आपको उसके बाद उतनी ही नरमी देखने को भी मिल सकती है। अब बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है टीएमडी सरिया के मार्केट में। तो होलसेल के मार्केट में टीएमडी सरिया में जो रेट देखा जा रहा है ब्रांडेड कंपनियों में, उसमें भारतन कंपनी में रेट 48,400 है। कामधेनु कंपनी का रेट बाजारों में आपको यहां से 55,701 देखने को मिल सकता है। केटू कंपनी में आज की कीमतें 54,831 है। ज्योति कंपनी का रेट 55,312 है। फॉर्चून कंपनी का रेट 56,299 चल रहा है। प्रबल कंपनी में आज की कीमतें 55,101 देखी जा रही है। द्वाबा कंपनी का रेट 60,700 है। दीपक कंपनी में आज की कीमतें 48,300 चल रही है। अंबा कंपनी का रेट 52,800 चल रहा है। जवाहरत कंपनी में आज की कीमतें 54,100 देखी गई हैं। शेर पंजाब कंपनी का रेट 55,811 है। जिंदल कंपनी में 48,500 रुपये तक का आप यहां से बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए इंगट और स्क्रेप के बाजार के बारे में, तो 43,500 रुपये तक का एमएस इंगट में रेट देखा जा रहा है, जहाँ 100 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई है। और एमएस स्क्रेप में आज की कीमतें 32,200 चल रही हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाजारों में फ्लैट ही देखा जा रहा है। अब बाजारों में इसके अलावा अगर बात करते हैं कि किस तरह से होलसेल के मार्केट में टीएमटी सूत के बाजार में कारोबार देखा जा रहा है, तो जिंदल ब्रांड में 2 सूत 6 mm टीएमटी में रेट 57.60 रुपए पर किलोग्राम है। 2.5 सूत 8 mm टीएमटी में कीमतें 57.60 रुपए पर किलोग्राम चल रही हैं। 3 सूत 10 mm टीएमटी में आज का रेट 56.40 रुपए पर किलोग्राम है। 4 सूत 12 mm टीएमटी में आज कीमतें 54 रुपए पर किलोग्राम चल रही है। 5 सूत 16 mm टीएमटी का रेट 55.20 रुपए पर किलोग्राम देखा जा रहा है। 6 सूत 20 mm टीएमटी में आज कीमतें 55.20 रुपए पर किलोग्राम है। और 8 सूत यानी 25 mm टीएमटी में आप 55.20 रुपए पर किलोग्राम तक का बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल फ्रेंड आज के लिए आपको यहां से फ्लैट देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा मार्केट में ना एक तरफा तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान है। जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक आपको इसी तरह से एक रेंज बाउंड दायरे पर कारोबार देखने को मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर हैं अगर आप, तो होलसेल के रेट हमने आपको सारे बताए हैं टीएमटी सूत के, जिसमें आपको 3 से 4 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से मार्केट में टीएमटी सूत इस रेट से महंगा जरूर मिल सकता है। मार्केट में अगर आपको इसके अलावा भी बाजारों में तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, बाजारों में अगर आप मार्केट का ट्रेंड जानना चाहते हैं, लोहे बाजार संबंधित मार्केट प्रेडिक्शन की जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:30 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।